सो भाई लोग, आप लोग को तो पता ही होगा पार्थिरी में क्या हुआ था। जब मैंने बोला प्रिंसिपल सर को कि सर, ये लड़की तो मेरा पीछा करती है, मैं जब भी बकरी चराने जाता हूँ तो ये मुझे घूर घूर कर देखती है, मार्केट तक पीछा करती है, कॉफ़ी पीती है, चाय पीती है तो मुस्कुराती रहती है। तो आगे हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या हुआ था। जिन्होंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री नहीं देखा वो जल्द से जल्द देख लेना, ओके मेरे भाई। तो गाइस चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रिंसिपल सर ने मेरी बात सुनी तब प्रिंसिपल सर ने गुस्से में प्रिया को बोला कि मैं क्लास की सबसे अच्छी लड़की मानता था, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। रुको, तुम्हारे पापा को कॉल करते हैं, मतलब समझ रहे हो, प्रिया को पापा को कॉल कर रहे हैं प्रिंसिपल सर। तो फिर उन्होंने प्रिया के पिता से बात करे और बोले आपकी बेटी का चक्कर एक लड़के के साथ है। जब प्रिया के पिता ऑफिस में आए, डंटा लेकर आए और मुझे मारना शुरू कर दी, मतलब समझ रहे हो गाइस, गलती किसी और का, ये साला चुतुंदर समझा नहीं प्रिया का पापा और साला मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। साला प्रिया का पापा तो एक नंबर का पगलेट है, साला सोचा समझा नहीं और मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर ने कहा, अरे सर इसको नहीं मारना था, सारा गलती तो आपके लड़की का है, ये तो नादान बच्चा है। बच्चा बोला तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने साला मन में कहा, रे साला प्रिंसिपल मैं तो तुम्हारा चाचा हूँ। उसके बाद प्रिया के पिता ने प्रिया को एक जोर से थप्पड़ मारा साला गाल के नीचे, मेरा तो एकदम मजा आ गया कि क्या ही मारा यार, बहुत अच्छा लगा। और कहा अगर सब अब से ऐसा कंप्लेंट आया तो स्कूल छुड़वा दूंगा। प्रिया के पिता ने मुझसे माफ़ी मांगी और बोली बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत मारा, इसके लिए सॉरी, मुझे क्षमा कर दो। जब मैंने प्रिया के तरफ देखा तो प्रिया आंख बबूला हो रही थी, बहुत ही भयानक यार, मुझे बहुत हट भी, मैंने बहुत ज़्यादा हट कर दिया था बहुत ज़्यादा, और रो भी रही थी बहुत, लेकिन मुझे बहुत दया आ गया यार। मुझे उसके साथ इतना बेकार बिहेवियर नहीं करना चाहिए था यार, क्योंकि वो बहुत सैड हो गई थी यार, मेरा दिल जोरों से रो रहा था। तो गाइज आपको अगर पार्ट देखना है 5 तो प्लीज़ कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखोगे तभी तो पता चलेगा कि प्रिया का मुझसे लव कब हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर आप डेली वीडियो मेरी देखोगे तभी समझ में आएगी। अभी ज़्यादा पार्ट नहीं निकला है, 4-5 पार्ट है, उसको प्लीज़ देख लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये सच्चाई वीडियो कैसी लगी आपको।